In this series, we will cover links and symbols, the options which are available in the insert ribbon tab. यहाँ पे कुछ मैं zoom कर देता हूँ. Links and symbols, ये कैसे use करना है हमारे Excel में, ये हम यहाँ पे देखने वाले. So without further delay, let's get started. Alright, welcome back दोस्तों. ये dummy सा data है मेरे पास. अब ये इसे use कैसे करना है विद दी हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस. एंड देन आपके यहाँ पे अगर कुछ कहीं पे आप काम कर रहे हो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे इसको रिप्लिकेट करोगे इस पर्टिकुलर चीज़ को, राइट, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों. ये क्लिक करने के बाद कुछ मुझे पोर्टल छोटा सा ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने ब्लॉग बनाया था मेरे पर्टिकुलर चैनल के लिए. ये कुछ ब्लॉग है. अभी मैंने कैसे किया यहाँ पे, तो वही है, ये जो लिंक ऑप्शन है वो हम लिंक से दे सकते हैं, करेक्ट. तो इसे कैसे करेंगे, अगर कहीं पे आपको कर्सर रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई टेबल सेल सिलेक्ट करना है, टेबल के अंदर जो सेल होगा उसे सिलेक्ट करना है. एंड देन कंट्रोल के पे प्रेस करो, जो आपका हाइपर लिंक हो आपके पास वो पेस्ट कर देना, देन ओके पे क्लिक. वंस यू पेस्टेड, आपको कुछ हाइपर लिंक सा यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा हैंड वाला, राइट. वो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाओगे, ठीक है, ये हैंड का सिंबल आ गया, राइट. यहाँ से पता चलेगा आपको कि दैट पर्टिकुलर सेल हैव समथिंग अ लिंक, जो कुछ लिंक कर रखा है वहाँ पे, करेक्ट. तो ये आप कंट्रोल के से भी कर सकते हो. अगेन अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो इंसर्ट के अंदर जो लिंक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट. एंड देन अगर आपको किसी को मेल करना है, अगर मैं किसी को सपोज यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास, राइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस. अभी ये शीट में पर्टिकुलर मेरे क्लाइंट को भेज रहा हूँ. एंड देन आई डोंट वांट हिम टू यू नो पुट समथिंग सब्जेक्ट लाइन, कुछ अलग वे में वो लोग रखे और किसी और को ईमेल में वो चला जाए, राइट. तो फॉर दैट देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ईमेल. लिंक पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, करेक्ट. एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है आपको इस पर्टिकुलर चीज पे. अब मेरे पास दोस्तों आउटलुक मेरा कॉन्फिग नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट यहाँ से आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि आप आपके कंपनीज में यहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कर सको. ईमेल एड्रेस, जन आपको अगर किसी को मेल करना है पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आ जाएगा. एंड देन सब्जेक्ट लाइन, प्लीज सेंड मी ए ईमेल, और आप लिख सकते हो आई हैव ए क्वेरी, ये डाल दिया. एंड देन ओके पे क्लिक कर दो. वंस यू डू इट, ठीक है, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक आ जाएगा. अगेन अगर चाहिए तो मैं थोड़ा हाइपर जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट. जूम आउट अगेन, तो ये है लिंक ऑप्शन. इसे होता क्या है, हम अगर करंट शीट में है उससे किसी और एक्सटर्नल शीट में हमको जाना है तो हम यूज कर सकते हैं लिंक का. ये हम वर्ड आर्ट काइंड ऑफ, राइट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कुछ टाइप करना हो, अगर बॉक्स के अंदर कुछ दिस इज माय टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, सेपरेट से टेक्स्ट बॉक्स, जो आप मूव कर सकते हो. और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स को आप मूव नहीं कर सकते अंटिल अनलेस आपको सेल को पूरा ड्रैग करना पड़े, राइट. अब यहाँ पे आप उठा के ये बॉक्स को कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है. देन इंसर्ट में अगर आप जाओगे वापस दोस्तों, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर्स है. जैसे कि ये यूज होता है दोस्तों आपको, अगर आप कहीं पे यू नो इस पर्टिकुलर शीट को अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, राइट, वहाँ पे आपको पेजिंग पेज नंबर रहता है, राइट, 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें रहती है. एंड देन आपको कुछ हेडर एंड फुटर आपके कंपनी के इनिशियल्स आपको उसमें ऐड करने हैं, तो आप हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हो. क्या करना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर पर जाना है. देन दिस is my heading and then this is the page number or whatever you want to add it, complete upon you. मुझे time भी add करना है, यहाँ पर मैं time भी दे रहा हूँ. and then यहाँ पर मुझे date भी लिखनी है. तो ये जो video मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये particular date के लिए है, तो वो date मुझे वहीं पर show करेगी, ठीक है. अब मुझे back to normal view करना है दोस्तों, तो ये कैसे करूँगा मैं, ठीक है. ये video दोस्तों ध्यान से देखिए, ताकि नहीं तो आप stuck हो जाओगे कहीं पर, तो आपको पता नहीं चलेगा exactly क्या सिखा रहा हूँ मैं, right? तो ये होने के बाद में आपको क्लिक करना है व्यू में. अभी आप हो पेज लेआउट के अंदर, आपको जाना है नॉर्मल व्यू, जो कि हमारा नॉर्मल था. जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इंसर्ट के अंदर हमने यहाँ पे यूज किया था ये ऑप्शन हेडर एंड फुटर, जो मैंने ऐड करे थे, बट मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है.
राइट तो वो कैसे शो होगा, तो वो शो करने के लिए कंट्रोल पी पे प्रेस करना, विच इज कॉल्ड प्रिंट अ प्रीव्यू। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये आपके हेडर्स एंड फुटर्स। अगर मैं चाहिए तो आपको जूम करके दे देता हूँ हेडर्स एंड फुटर्स। दोस्तों ये मैं मैग्नीफायर यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़े से कमेंट्स आए थे कि थोड़ा स्क्रीन में यू नो दे आर नॉट एबल टू व्यू दैट पर्टिकुलर डेटा, तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। करेक्ट, वर्ड आर्ट। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ फैंसी डिजाइन डालना है इसके अंदर, दिस यू नो कुछ आर्ट वे में लिखना है तो आप लिख सकते हो। कंप्लीट अपॉन यू कैसे आपको लिखना है, ठीक है। डिजाइनिंग चॉइस अगर जो रहेगा अपना, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, खाली इंसर्शन के लिए यहाँ पे यूज होता है। एंड देन सिग्नेचर लाइन, ठीक है, इसको मैं कवर करता हूँ दोस्तों, बट इसको कवर करने से पहले मैं शुरू करूंगा ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसे थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम सिग्नेचर लाइन में, बट ये ऑब्जेक्ट में क्या है तो हम पहले देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद, अभी सपोज मुझे पेंट ओपन करना है एक्सेल के अंदर रह के, मुझे मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट मेनू में क्लिक करना होगा, एंड देन पेंट पे क्लिक करने के बाद आई वुड गेट दैट पर्टिकुलर इमेज। ड्राइंग करने के बाद मुझे सेव करना होगा एंड देन यहाँ पे ऐड करना होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा अपने को ऑप्शन दिया हुआ है ताकि अपने को दिक्कत ना हो ज़्यादा। क्या करना है हमें, सिंपल सा इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो एंड देन बीएमपी इमेज, बिट मैप इमेज, ओके पे क्लिक। अब ये कुछ लोड हो रहा है मेरे पास, तो ये डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन होगा पेंट वाला, एंड देन मैं कुछ छोटू सा ड्राइंग कर देता हूँ यहाँ पे, आप आपके हिसाब से देख लेना दोस्तों आपको कैसे चाहिए। राइट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें ऐड हो रही है। अंदर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद अगर आप देखोगे जो कुछ ड्राइंग मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा था एक्सेल के अंदर, वो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ से कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारे सिग्नेचर पे। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया सिग्नेचर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर लाइन, ये कुछ कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। ये कंटेंट आप चाहिए तो पॉज करके वीडियो देखिए, मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो मेरी लंबी हो और आप बोर हो जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये रीड करें। एंड देन दोस्तों अगर आपको वेरीफाइड सिग्नेचर बनानी है तो ये कुछ यूआरएल है एमएस ऑफिस की तरफ से, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप वेरीफाइड सिग्नेचर बनवा सकते हो। अब ये सिग्नेचर यूज कैसे होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये तो मैं जूम कर देता हूँ अगेन, मेरी ऑडियंस जो चाहती है मैं वो करवा के देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो बोर ना हो मेरे चैनल से। सजेस्टेड सिग्नेचर, अगर आपको कुछ नेम देना है तो आप दे सकते हो, DTP मैं दे रहा हूँ, डिस्कवर टैलेंट प्रेजेंट्स, सिग्नेचर ओनर, ओनर दे रहा हूँ, एंड देन अगर कुछ रहेगा MNC@MNC.com समथिंग लाइक, आपके पास अगर कुछ ईमेल आईडी हो तो, ठीक है। वंस यू डू इट, ठीक है, ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं जूम आउट कर देता हूँ उसे, ये कुछ मेरे को सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट नो टेस्टिंग पर्पज दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ऑफिशियल सिग्नेचर चाहिए तो अगेन जैसे कि मैंने आपको रिएट्रेट किया था यहाँ पे, ये जो यूआरएल है आपको यहाँ पे विजिट कर करके वेरीफाइड करा के लेना होगा, जिससे क्या होता है आपकी जो सिग्नेचर रहती है वो एक इनक्रिप्ट मोड में चली जाती है और आपके सिग्नेचर का एक डिजिटल आईडी रेडी रहता है, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अभी ये फाइल को मुझे सेव करना होगा ताकि मैं ये सिग्नेचर कहीं और भी यूज कर सकूं। राइट, तो ये सपोज मैं साइन करने के बाद, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एंड देन मैं साइन कर दिया, साइन करने के बाद मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मैंने फाइल को सेव किया है टेस्ट नाम से, TEST, करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि उसे ओपन करना है तो मैं ये क्लोज करके यहाँ पे फाइल में जाके ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज, यहाँ पे टेस्ट करके फाइल है, ओके ओपन पे क्लिक करूंगा। वंस आई ओपन दैट दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ परमिशन का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सिग्नेचर ऐड करी है उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, सिग्नेचर दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी साइंड, व्यू सिग्नेचर, यहाँ पे आप सिग्नेचर देख सकते हो, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो मेरा साइंड है, वेल साइंड है, करेक्ट। सो उसके लिए ये वो यूज होता है दोस्तों। एंड देन यहाँ पे ये पूरे ऑप्शन मैंने कवर कर दिए।
इक्वेशन, अब ये इक्वेशन क्या है वो मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन है दोस्तों, अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा, करेक्ट, और ये क्यों मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, और ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है हमें एमएस ऑफिस ने, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन करा था, जैसे कि या फिर आप गूगल पे भी टाइप करो इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ। अगर आप जैसे आप दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, राइट, वो टाइम पे आपको कुछ इक्वेशंस वहाँ पे ऐड करने होते हैं, अभी आप मैनुअली तो ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं, राइट, ये आप मैनुअली ऐड नहीं कर सकते हो, कुछ मैथमेटिक्स सिग्निफिकेंस रहता है उसका, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेल ने हमें एक बड़ा मज़ेदार फंक्शन दे दिया है, ताकि वो आप ऐड करके क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैं इक्वेशन, करेक्ट, एंड देन सिंबल, सिंबल से यहाँ पे हम अगर वेबडिंग पे क्लिक करें, ठीक है, वेबडिंग, यहाँ से आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, या फिर मुझे यहाँ पे भी दिख रहे हैं, राइट, तो मैं यहाँ से भी उठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट फ्री पैकेज, इंसर्ट कर लो एंड देन क्लोज पे क्लिक। मैंने सर कर्सर सेल पे क्लिक नहीं करा था, मैंने इस पे क्लिक किया था फॉर्मूलास के अंदर, तो इसलिए। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, हम एक्सेल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक बच्चे को जो हमारा चैनल देख रहे हैं, राइट, व्यूवर्स लाइक यू, जो आप यूज करते कर सकते हो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपके कंपनीज में और दिखा सकते हो कि आप एक्सेल सर्टिफाइड हो। तो वो कैसे आपको अर्न करना है, आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स आपको एक क्विज हम लोग रोल आउट करेंगे, जिसको आपको फिल आउट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से इशू हो जाएगा।